क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 बेटा, बिकॉज हम 11 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज 3.3 से बेटा हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब बेटा कॉस यहाँ पर है साइन स्क्वायर 6x मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर 4x, मुझे प्रूफ करना है साइन 2x साइन 3x। मैं आपको क्लियर कट बताऊं बेटा, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम नया एक फॉर्मूला है, हम उससे भी कर सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे कई बच्चों को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला भी पता है, वो भी लगा लेते हैं, पर मैंने तो क्लास में भी नहीं बताया ना, मैं तो पुराने के अकॉर्डिंगली आप लोगों को करवाऊंगी कि जहाँ अभी तक जो मेथड करवाया है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको करवा सकती हूँ, फॉर्मूला बताऊंगी जरूर ताकि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूले से करवाती हूँ। लेट अस डू विद द फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बेटा इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। अगर बिल्कुल शॉर्टकट होता पता भी होना चाहिए फॉर्मूला, तो अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, देखिए साइन ए, ए इज दिस बी इज दिस, है ना, तो ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, क्या हो गया मेरे पास ये साइन 2x साइन 10x। बेटा यही प्रूफ करना था, ये NHS है या RHS है। अच्छा अगर मैं ये फॉर्मूला भूल जाऊं तो कैसे दिमाग में चलेगा, लेट अस डू विद द अदर पार्ट अदर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कल हमने मैं ये पार्ट रब करने लगी हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, तो नाउ आई एम रबिंग दिस, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कुछ। अब देखिए आपको याद हो मैंने ये करवाया था s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, आज मैंने फॉर्मूलेस भी सुनने हैं, रेडी रेडी रहने साथ में। अब ये देखिए ये वाली आइडेंटिटी लिखी थी 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, जब मैंने दिस प्लस दिस बाय 2 किया तो वो 10x बाय 2 कितना बन गया 5x। अगर आपको नहीं याद आ गए तो मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, ये फिर cos 6x माइनस 4x बाय 2 इंटू, अब इसका भी लगाना, इसका मैं नीचे लगा देती हूँ, स्पेस कम है तो नीचे लिख देती हूँ, तो अब मैं नीचे लिखने लगी। आपको याद है कि s माइनस s का 2 cos sin, तो मैंने लगाया इंटू 2 cos, तो वो भी क्या बनेगा 6x प्लस 4x बाय 2, बेटा बनेगा तो 5x ही ना। फिर sin 6x माइनस 4x 2x बाय 2 x बने, यानी अगर मैं देखूं तो मेरे पास टर्म्स क्या बने, लेट अस सी 2 sin 5x cos x 2 cos 5x और sin x, ये वाली टर्म मेरे पास, मैं ये रख कर ये लिख चलिए।
अब यही टर्म बन गई ना बेटा मेरे पास। अब जरा देखिए मैं क्या करूं, 5x वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लेती हूँ, x वाली टर्म को इकट्ठी कर, तो मेरे पास 2 sin 5x cos 5x, 2 cos x sin x। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैं इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? Anybody from you? Please tell me what to write. Okay, Japan Jyot, yes. हाँ जी बेटा बताइए Japan Jyot. मैम sin 2x मतलब sin 5x. Sin 5x? No. आप ट्रैक पे हो बट यू आर टेलिंग मी द रॉन्ग आंसर। देखिए 2 sin theta cos theta होता है sin 2 theta, theta कितना है 5x। ओके यस हिमांशु, हिमांशु रेज योर हैंड बेटा। हाँ जी नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पर? cos 2x, मैंने 2 cos x sin x का cos 2x कराया ही नहीं। ध्यान से सोचो 2 sin theta cos theta का किसका फॉर्मूला होता था? sin 2 theta का नहीं होता, होता कि नहीं मानशो? Yes ma'am. यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया ना कि जो थीटा यहाँ, हाँ मुझे आई अंडरस्टैंड बेटा, इसीलिए तो आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि पूछूंगी नहीं तो वो कंफ्यूजन अभी क्लियर होगी तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोंट वरी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ डोंट वरी कि हमने कुछ गलत बोल दिया, इट्स नॉट ए बिग डील बेटा, हमने सीखना है। अब वो लर्निंग हम तभी कर सकते हैं जब आप इतनी हिम्मत रखते हो कि हमने सारी क्लास के सामने बोलना है, चाहे वो गलत है चाहे वो राइट है। ओके चलिए तो गुड हिमांशु, हाँ जी तो अब यहाँ पर भी साइन 2x ये बन गया साइन 10x और ये बन गया साइन 2x, यही प्रूफ करना। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बेटा मैं क्लियर कट बता दूं, देयर इज नॉट अ सिंगल मेथड, हमारे पास एक सिंगल मेथड नहीं है, हम कोई भी मेथड से इसको कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका माइंड कैसे चल रहा है। ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है तो मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो गए हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 12, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कौन मेरे को आंसर देगा क्वेश्चन नंबर 13 में कि हम कैसे कर सकते हैं? जल्दी जल्दी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर 2x माइनस मेरे पास है कॉस स्क्वायर 6x दैट इज इक्वल्स टू साइन 4x and sin 8x. चल हाँ जी मयंक, मयंक रोल नंबर 28, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा मयंक। गुड मॉर्निंग मैम। अमित आपके दिमाग में कुछ आता है बेटे स्टेटमेंट को देख के? एनीथिंग कम्स इन योर माइंड कि मैम ऐसे स्टार्ट कर सकते, गलत हो सही हो डैम बॉदर बेटा, बट आप क्वेश्चन को जरूरी तो नहीं है, टेंथ में होता था आपने सेम क्वेश्चन होते थे, मैं क्लियर कट कह दूं इलेवेंथ में अनसेम क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको इवेल्युएट करना आना चाहिए। बोलिए मैम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बेटा?
चलिए इतने टाइम तो मुझे लगता है आप नेट पे सर्च करके मुझे बता दोगे कि क्या होता है। मयंक आई एम आस्किंग यू बेटा। ओके काव्या हाँ जी बताओगे मयंक कुछ? नो मैम नहीं पता था। अभी मयंक आप खुद देखो बेटा, हमने पीछे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक मेथड बताया था, क्या किया था आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मयंक? हाँ जी मयंक मैं आपसे बात कर रही हूँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए लेट अस आस्क। ओके यस मयंक अनम्यूट कीजिए बेटा। चलिए काव्या आप बताइए बेटा व्हाट कम्स इन योर माइंड। यस मैम। मैम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos a plus cos b cos a minus cos b। बिल्कुल करेक्ट है, आप वो चीज भी बिल्कुल कर सकते हो कि cos स्क्वायर a minus मतलब a स्क्वायर minus b स्क्वायर है तो 2x plus cos 6x मेरे पास हो गए, फिर ये a plus b a माइनस बी मेरे पास हो, यहाँ पर सी डी फॉर्मूला, यहाँ पर सी डी फॉर्मूला और आप इवेल्युएट कर सकते, ठीक है ना? ये तो लॉन्ग वाला मेथड है मेरे पास, ठीक है ना? अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताती हूँ मेरे पास। शॉर्टकट मेथड में क्या है, आपको कॉस्केर ए माइनस कॉस्केर बी की आइडेंटिटी आनी चाहिए, मीन्स एक नया फॉर्मूला मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है? सीधा ही कॉस्केर ए माइनस कॉस्केर बी मेरे पास हो गए, दैट इज मेरे पास। अगर हम ये भी कर सकते हैं कि कॉस्केर ए माइनस कॉस्केर बी की आइडेंटिटी लर्न करने की बजाय, बेटा मैं आपको ये बता दूँ, हम इसको साइन स्केयर में भी चेंज कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि दो दो फॉर्मूले तीन तीन फॉर्मूले कितने लर्न करते, तो मैं आपको पिछले मेथड से भी करा सकती हूँ कि मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, मैं और इजी आपके लिए कर लूँ, वन माइनस साइन स्केयर टू एक्स कर सकती हूँ। आपने की हुई ना आइडेंटिटी टेंथ में कॉस के थीटा इज वन माइनस साइन स्केयर थीटा, ऐसे ही यहाँ पर वन माइनस साइन स्केयर थीटा, थीटा सिक्स एक्स था, मैंने ब्रैकेट खोला, देखो मैंने और एक नए फॉर्मूले से बचा दिया आपको, ये वन वन कैंसिल, अब तो बेटा ये पुराना क्वेश्चन ही बन गया ना मेरे पास। देखिए क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने कम फॉर्मूले आप लर्न करो उतना आपका जो है स्टेमिना हर फॉर्मूले को लर्न करने के लिए बनता है। अब तो हमने यही हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी आपने अभी फॉर्मूला लर्न किया था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किया था ना लर्न, अब इसी को यूज कर रही हूँ। तो साइन देखो 6x plus 2x कितना हो गया 8x into a minus b, तो sin 6x minus 2x sin 4x, देखो यही प्रूफ करना मल्टीप्लाई में ना, ये टर्म पहले हो ये बाद में हो डजंट मैटर, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। वैसे cos के a minus cos के b का भी फॉर्मूला, ठीक है चले क्लियर? ये सारे फॉर्मूलेज मैं आपको एक पेज पे लिख के आई विल सेंड इट टू यू, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज का भी आपके पास। जैसे चलिए नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास टू है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब फिर सोचिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ देयर इज नॉट अ सिंगल मैथड, बहुत सारे मैथड्स होंगे, ठीक है? तो आपने देख रहे हैं कि कौन सा आपके दिमाग में फिट हो। ओके तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास हो गए दैट इज 14th, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14th में स्टेटमेंट क्या दी हुई है, साइन 2x साइन 2x प्लस 2 साइन 4x
प्लस साइन सिक्स एक्स. मुझे प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स साइन जो है दैट इज फोर. अब क्लियर कट अगर मैं देखूं इसके आगे टू है, आगे टू वाला मुझे कोई फॉर्मूला नहीं है. ओके हिमांशु मुझे बताना चाहता है. यस हिमांशु बताइए, बिल्कुल बताइए कैसे करेंगे बेटे. मैम पहले मैम 2 sin 4x को 6 sin 6x के बाद ले जाएंगे अगले स्टेप में. फिर मैम फॉर्मूला लगाएंगे sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b divided by 2 and cos a minus b divided by 2. ये फॉर्मूला लगेगा पहले. 100% करेक्ट हिमांशु, 100% करेक्ट. यहाँ पर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे क्योंकि इसके आगे 2 था, मैंने बाद में लिख दिया. तो ये बना s plus s. मैं बार बार शॉर्टकट पे लिख के बता रही हूँ ताकि आपको भी ये चीज याद रहे. 2sc पहले वाले के साथ दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, दूसरे वाले के साथ दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2. तो मैं अप्लाई करने लगी हूँ 2 sin 2x plus 6x. अभी तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी मैं सीधा कहूंगी 2x plus 6x 8x, 8x divided by 2 4x. I will write like that. Okay जी, तो by 2 और cos 2x minus 6x minus 4x by 2. देखिए मैंने ऐसे लिखा. अब ये जो टर्म रह गई वो as it is साथ में जी. ठीक है जी. अब मेरे पास 2 sin 8 by 2 4x, ये 2 बचा. आपको पता है cos नेगेटिव को कंज्यूम कर लेता है, तो ये cos 2x plus 2 sin 4x. अब क्लियर कट है आपके पास, आंसर में भी sin 4x चाहिए. तो sin 4x और 2, sin 4x और 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज वाली को सर्कल कर लिया करो, गलती नहीं होती. तो हमारे पास हो गए क्या बचा यहाँ पर बेटा. देखिए व्हाट इज लेफ्ट, 2 sin 4x cos 2x plus 1. यही चीज बची कि नहीं बची. अब क्या करें बेटा, क्या करें. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या करें यहाँ पर. ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं रह गया. अब मैं बताऊं कहां से मैं इसकी वैल्यू ढूंढूं. वेट हिमांशु देखिए, मैंने cos 2x का स्क्वायर वाली फॉर्म में एक फॉर्मूला किया हुआ है. वो क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. आपको याद हो मुझे कैसे पता चला यही लगाना है, साइन वाला नहीं लगाना, क्योंकि आंसर में cos स्क्वायर है. तो मैं यहाँ पर cos 2x की जगह ये लगा सकती हूँ. अच्छा मैं पूरे पे भी लगा सकती हूँ, अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ तो cos 2x plus 1 सीधा ही बन जाएगा ना. ये चीज आपने याद रखनी है बेटा, ये बहुत बार प्लस टू में भी आज बच्चों को मैंने जो चैप्टर करवा ली उसमें यूज हो रहा है. कहीं पे भी आपके पास 1 प्लस cos x हो, ध्यान से 1 प्लस cos x हो, तो 2 cos स्क्वायर x by 2 है, मतलब हाफ एंगल. अगर 1 माइनस cos x हो तो 2 sin स्क्वायर x by 2. ये बहुत बार चीज यूज हो. देखो यहाँ पर 1 बाद में आ जाए, 1 प्लस cos 2x है ना, तो बेटा मैं सीधा मुझे हैबिट होनी चाहिए क्या लिखूं इसकी जगह, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, मतलब जो दिया उसका आधा कर दो. 2x का हाफ किया तो x ही हुआ. सबको बात क्लियर है मैंने कैसे यूज की.
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज आस्क मी, यहां से बेस सब बन रहा है आप लोगों का, ओके जी। तो अब मेरे पास हो गया यहाँ पर 2 to 4 sin 4x cos kx, ये ही तो मेरी राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड। यस बेटा, किसी ने कुछ पूछना है? अभी किसी ने हैंड रेज किया था? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15th में अब मेरे पास क्या है, सेम क्वेश्चन है सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 15th देखिए, cot 4x sin 5x plus sin 3x, मुझे प्रूव करना है cot x sin 5x माइनस साइन 3x के। एक मेथड तो ये, आप दोनों साइड्स को सॉल्व कर लो, सीडी फॉर्मूला लगा दो, 100% आंसर सेम सेम आए, ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या है, एक ही साइड को लेके चलो और दूसरी साइड पे इक्वल प्रूफ। चलो मैं एक ही साइड वाला लेके चलती हूँ, दोनों साइड्स वाला बच्चे आराम से कर ले, कोई गलत नहीं। अगर एक साइड से आंसर नहीं आता तो आप दोनों साइड्स को प्रूफ कर दो एक ही आंसर के इक्वल, तब भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस डू कि मैं वन साइड से लेके चलूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास cot 4x sin 5x sin 3x, मैंने cot 4x को cos 4x, वही क्राइटेरिया है कि अगर sin cos के अलावा कुछ भी है तो सबको sin cos में चेंज कर, ठीक है। तो अब बेटा मैं यहाँ पर cd फॉर्मूला लगाऊं, sin c plus sin d, सिर्फ मैं ये लिख रही हूँ कि sin cos आना है, अब मैं ब्रेक करके नहीं लिखूंगी, मैं प्रॉपर आंसर लिखूंगी, sin c plus d 8x by 2 कितना हो गया 4x, cos c minus d 5 minus 3x 2x by 2 cos x answer. आया कि नहीं? अब ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास cos 4x cos x, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ना, मैं इस साइड को भी सिंप्लीफाई करके इस आंसर के इक्वल प्रूव कर सकती हूँ, एक मेथड तो ये है। लेकिन अगर आपने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना होता मुश्किल है, उस पर आपको याद रखना पड़ता है। चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पहला वाला मेथड बहुत इजी है। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर आई एम मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस कॉज को बाहर ले जाती हूँ, इस कॉज को बाहर ले जाती हूँ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे कॉट एक्स चाहिए था, मुझे वहां से पता चला, हाउ आई कम टू नो, क्योंकि मुझे आंसर में कॉट एक्स चाहिए था। यस रिद्धि बेटा, यस रिद्धि मैम, वो टू टू साइन कॉज होते तो फिर वो टू कहाँ गया? कौन सा बेटा, टू कॉज, ओके रेडी हम, इसमें कोई बात नहीं, ओके टू लगा देते हैं, ठीक है जी, टू यहाँ पर भी आ गए, ओके रही थी। चलिए अब मैं जो आगे स्टेप बता रही थी, मेरे को आंसर में बाहर कॉट एक्स चाहिए, तो यानी कॉट होता है कॉज बाय साइन, तो बेटा मैंने cos को बाहर लिख के, मैंने ये देखिए cos x को मैंने बाहर लिखा, sin x मैंने नीचे लिखा, और क्योंकि डिनोमिनेटर में sin चाहिए था, sin से मल्टीप्लाई एंड sin से डिवाइड, अंदर बचा 2 cos 4x cos x, ओके। अब उल्टा वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, जैसे इधर से इधर जाते हैं
अगर टू कॉस कॉस है तो सी प्लस सी होता है ना, टू कॉस कॉस है अल्फा से ही होता है ना, चेक कर लेना कि कोई सॉरी यहाँ पर साइन बचा रहता क्योंकि कॉस मैंने बाहर नहीं लिया, तो अगर कॉस साइन वाला चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग साइन माइनस साइन आ जाएगा, कोई बात आपने देखना टर्म्स कौन सी बची, मैंने कॉस बाहर ले लिया था तो यही टर्म बची थी, तो टू कॉस साइन एस माइनस एस होता है तो वही अप्लाई करूंगी मैं, तो अब मैं अप्लाई करने लगी बेटा ऊपर, ठीक है, तो जब मैं अप्लाई करने लगी देखिए ध्यान से, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा cot x और यहाँ पर साइन क्या होता है a प्लस बी, यहाँ बाय टू नहीं होता प्लीज, ओके जी, यहाँ पर बाय टू नहीं होता, तो पहले वाले के साथ a प्लस बी तो जब किया तो वो 5x बन गया, बीच में माइनस और दूसरे वाले के साथ क्या होता है a माइनस बी, तो जब माइनस किया तो कितना आएगा साइन 3x, बेटा यही प्रूफ करना था, देखो मुझे दैट इज इक्वल टू RHS, यहाँ सोचना पड़ा, लेकिन अगर दोनों साइड्स में लेते तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है, दोनों आंसर सेम कॉरेस्पॉन्डिंग अपने आप आ जाते हैं, ओके बेटा जी क्लियर। अब आपका होमवर्क है आगे सारे क्वेश्चंस, यस जीवितेश, यस बेटा वेट, हाँ जी यस जीवितेश मैम ये क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी बेटा श्योर, मेरे पास बेटा इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है स्टेटमेंट, मैं दोबारा कर देती हूँ, बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन होगी, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन अगेन, मेरे पास क्वेश्चन था देखिए cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, सबसे पहले जीवितेश मैंने cot 4x को cos ओवर sin लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया था cd, जब cd फॉर्मूला लगाया था साइन प्लस साइन हो तो टू साइन कॉस होता है, टू साइन वो होता है फोर एक्स कॉस दिस माइनस दिस बाई टू तो वो होगा x, ओके ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास टू कॉस फोर एक्स कॉस x है, बट क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे cot x बाहर चाहिए तो cot के लिए मुझे नीचे साइन चाहिए, अगर मैंने डिनोमिनेटर में साइन लगाया तो मुझे न्यूमिनेटर में भी साइन लगाना था, तो मेरे पास ये cot x टू cos साइन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम बड़ा एंगल पहले रख दें तो उससे भी हमारा वो नेगेटिव का चक्कर नहीं होता, ठीक है, टू टू कॉस साइन टू सी एस फॉर्मूला होता है एस माइनस एस, तो एस पहले वाले के साथ क्या लगता है एंगल दोनों का प्लस दूसरे वाले के साथ क्या लगता है दोनों का डिफरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना, ठीक है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 5x माइनस और दिस माइनस दिस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x, मुझे यही प्रूफ करना था बेटा, ओके जीवितेश क्लियर, चलिए बेटा अब आपका होमवर्क पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 ठीक है एंड 20 ऑल आर सेम बेटा, ये टिल जो है 21 तक आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई, आप ट्राई करोगे जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टिल 21 तक मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने लगी 20 के, ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप ट्राई करोगे और आप कल पूछोगे मेरे से कि मैम ये क्वेश्चन नहीं निकला हमें करवा दीजिए, दैट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट, अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन 22 आपके, इम्पोर्टेंट है इसके साथ एग्जाम्पल भी है,
ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत तरह से हो सकता है, सो मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट मैं जो नॉर्मली बच्चों को करवाती हूँ बहुत इजी है, बहुत सारे टीचर्स यही करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें, शो दैट कॉटेक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू वन। बेटा जब भी आपके पास cot या tan किसी भी क्वेश्चन में तीन एंगल्स हैं, देखिए एक x है, एक 2x, एक 3x है ना बेटा, जब भी आपके पास कभी भी ऐसा आए और कुछ प्रूफ करना हो, ऐसा नहीं लेके चलना कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड प्रूफ करें, मत लेके चलो। बेस्ट तरीका क्या है, आप सबसे बड़ा एंगल ले लो, उसको ब्रेक कर सकते हो ना, कर दिया, क्योंकि आंसर कॉट में, अगर टैन में होता तो दोनों तरफ टैन ले लेते, कॉट में है तो कॉट में ले लीजिए, कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ 6x 3x और 2x होता, सॉरी 4, तो आप 6x को ब्रेक करते 4x प्लस 2x, 12x होता, 5x और 7x एंगल हो सकता था नीचे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ब्रेक करते हैं। आपने लिखना है एज नाउ टेकिंग cot ऑन बोथ साइड, लिया यहां पर cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास क्या होता है cot a cot b माइनस वन ओवर cot b प्लस cot a, आपको याद है कि मैंने कहा था कि पहले cot b लिखा करो, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती, नेगेटिव अपने आप जो गए, क्योंकि नेगेटिव वाले में वो cot b ही पहले आना होता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती लर्न करने के साथ। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cot 3x cot x cot 2x इक्वल टू cot 2x cot x माइनस वन, ओपन कर दो बैठे, तो cot 3x cot x cot 3x cot 2x cot 2x cot x माइनस वन। अब वन को इस तरफ ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो अपने आप देखो आपके पास ये क्वांटिटी बन, अपने आप देख लीजिए cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x इक्वल टू वन, हैंस प्रूफ, ओके बेटा, यस चपनजोत, यस बेटा। मैम ये वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दो। श्योर बेटा, मैंने आपको कहा कि जब भी कभी भी cot या tan आपस में थ्री एंगल्स हैं और उनमें आपस में रिलेशन बन रहा है, जैसे ये देखो 3x को मैं x प्लस 2x ब्रेक कर सकती हूँ, तो मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूँ एज 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। अच्छा कोई बच्चा ऐसे लिख दे 2x इज इक्वल टू 3x माइनस x, तब भी करेक्ट है, गलत नहीं है वो, आप जैसे मर्जी, उसको यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने अगर 3x को 2x प्लस x से किया मुझे प्लस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में cot cot है, अगर tan होता तो मैं दोनों तरफ tan लेती, यहाँ पर cot है तो मैंने दोनों तरफ cot ली, अब cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, cot a cot b माइनस वन ओवर cot b प्लस cot a, जस्ट फॉर्मूला cot a प्लस b का, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ओके जपन, एनी डाउट टू एनी वन, किसी को कोई डाउट बेटा, चले अगले क्वेश्चन में, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 23,
ये 23rd, 24th, 25th मैंने आगे भी बताया था आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने एक दो क्वेश्चंस करवा भी दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 23rd, tan 4x equals 4 tan x over into sorry 1 minus tan square x over मेरे पास क्वेश्चन That is 1 minus 6 tan square x plus tan 4x. ये प्रूफ करना मैंने आपको उस दिन भी स्टार्टिंग में करवाया था, ये tan 4x है, आपने tan 2 theta का फॉर्मूला किया, 2 tan theta over 1 minus tan square theta, मतलब जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है यहाँ पर। एक मेथड तो ये, एक मेथड ये है कि आप इसको ऐसे लिखो 4, इसको थीटा लेट कर दो, लेट 2x is equal to theta, तो ये tan 2 theta बन गया, और tan 2 theta का आपको फॉर्मूला आता है 2 tan theta over 1 minus tan square theta, थीटा को दोबारा 2x पुट कर दो, दोबारा से 2 पुट कर दो, तो 2 tan 2x over 1 minus tan square 2x, ये square है, square को मैं ऐसे लिखूं, अब दोबारा tan 2x का फॉर्मूला लगाओ ये बना, जहां जहां है, और सॉल्व कर दो, आपका आंसर यही आएगा, सिर्फ सॉल्विंग बहुत ध्यान से करो, ये कंप्लीट नहीं होगी, Tomorrow we will do from here.